हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं एमजे और आज है संडे और ये है अपनी संडे अपडेट की वीडियो। तो सुबह से फ्रेंड्स मैं अपने गार्डन में आज लगा हुआ था ये केज को लेके, कि आज मुझे कोई भी हिसाब से ये केज का काम मुझे कंप्लीट करना था, तो आज मैंने काम इसका कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स ये केज का भी पूरा अपडेट बता दूंगा और फ्रेंड्स मैंने आज कुछ न्यू परचेजेस किए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपके मेरे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स की कंडीशन मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करूंगा मेरे पॉइंसेटिया के साथ, क्योंकि ये जो पॉइंसेटिया है अभी बहुत ही खूबसूरत रेड कलर के लीव्स इसने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लिया है। जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही सुंदर लीव्स फ्रेंड्स इसके निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए बहुत ही सुंदर लीव्स इसके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी ब्रांचेस के ऊपर फ्रेंड्स हमारे जो पॉइंसेटिया है अभी बहुत ही अच्छे कलरफुल लीव्स निकाल के दे रहा है। तो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स एक दो महीने तक कंटिन्यूस इसके ऊपर ये हिसाब से ये जो रेड कलर के लीव्स है वो बने रहेंगे और ये प्लांट मेरा अच्छा खासा ग्रो होता रहेगा। और जैसे ही फ्रेंड्स मानसून की सीज़न आएगी तब हम ये प्लांट को रिपॉट करेंगे। कौन से वाले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो देख रहे हैं ये प्लांट को फ्रेंड्स मैं रिपॉट करूँगा मानसून की सीज़न में। अभी फ्रेंड्स हमें इसको रिपॉट बिल्कुल भी नहीं करना है, तो अभी फ्रेंड्स मैं आराम से ये प्लांट को यही गमले में रहने दूंगा। और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारे जो क्रोटॉन्स मैंने कल इसकी वीडियो अपडेट की थी आपके साथ, और जैसे कि देख रहे हैं बहुत सारे फ्लावर्स अभी इसके ऊपर जनरेट हो रहे हैं। प्लांट अभी फ्लावरिंग्स दे रहा है तो प्लांट की कंडीशन अच्छी है। और मैंने फ्रेंड्स प्लूमेरिया की कुछ कटिंग्स मैंने कट कर ली है, जैसे कि देख रहे हैं अभी ये कटिंग्स को भी मैं ग्रो कर लूँगा। अबाउट बहुत ही जल्द मैं ये कटिंग्स को ग्रो कर लूँगा। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये कुछ मेरे वॉन्डरिंग जू के प्लांट्स यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये प्लांट। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारे जो विंटर प्लांट्स हैं विंटर प्लांट्स भी बहुत ही सुंदर चल रहे हैं। जैसे कि हमारे जो पेटूनियाज है पेटूनियाज अभी बहुत ही सुंदर चल रहे हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर फ्लावरिंग्स अच्छे खासे निकल रहे हैं। सिर्फ हमारे ये जो गजानिया के प्लांट है वो मेरे गजानिया के प्लांट अभी फ्लावरिंग्स पे नहीं आए हैं। हमारे जो साल्विया है फ्रेंड्स उसके ऊपर तो फ्लावरिंग्स आ ही रही है, लेकिन फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर से फ्लावर्स कट कर लेता हूँ। और जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही जगहों से इसके ऊपर फ्लावरिंग्स आ रही है, तो मैं इसके ऊपर फ्लावरिंग्स कट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर से मैक्सिमम ग्रोथ लेना चाहता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर से फ्लावरिंग्स ज़्यादा नहीं लेना चाहता। और हमारे जो कैलेंडुला के प्लांट है फ्रेंड्स, कैलेंडुला के प्लांट भी बहुत ही सुंदर चल रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे फ्लावर्स निकले हुए हैं। और हमारे जो कोलियस है फ्रेंड्स, कोलियस भी बहुत ही सुंदर चल रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं सारे कोलियस की कंडीशन अभी अच्छी है। अभी जो क्लाइमेटिक कंडीशन चल रही है फ्रेंड्स उसमें हमारे विंटर प्लांट्स साथ में हमारे जो समर सीजन के प्लांट दोनों प्लांट्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, उसके ऊपर न्यू ग्रोथ वगैरह देखने को मिल रही है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारे हाइबिस्कस के ऊपर बहुत सारे फ्लावरिंग बर्ड्स भी अभी निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्लांट ये ग्रो हो रहा है। जैसे कि एक दो तीन तीन और ये चार चार बर्ड्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, ये चौथा बर्ड और ये पांचवा बर्ड, यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे फ्लावर बर्ड्स लगे हुए हैं, ये तो अभी खिलने की तैयारी में, दूसरे छोटे छोटे फ्लावर बर्ड्स रेडी हो रहे हैं और कुछ ये हिसाब से चिड़ियों ने भी ख़राब किया है। तो जैसे ही फ्रेंड्स मुझे केज में थोड़ा सा सक्सेस मिल जाएगा तो बाद में यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करूँगा, या तो ये जो मेरे हाइबिस्कस के प्लांट है वो मैं केज में शिफ्ट कर लूँगा जहाँ पे गिलेरिया और ये चिड़िया आसानी से नहीं आ सकती। और हमारे जो इग्जोरा है इग्जोरा भी बहुत ही सुंदर अभी हो रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं बहुत सारे फ्लावर्स अभी इसके ऊपर जनरेट हो रहे हैं। वर्बीना के प्लांट है फ्रेंड्स, वर्बीना के प्लांट भी बहुत ही सुंदर हो रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही सुंदर अभी इसके ऊपर फ्लावर्स निकल रहे हैं। और हमारे अपराजिता के प्लांट के ऊपर भी बीच में बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग्स हो रहे थे, अभी सारे फ्लावरिंग्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये हमारे चित्रक के प्लांट है, तो चित्रक के प्लांट से याद आया फ्रेंड्स मुझे, मैंने चित्रक के प्लांट को रिपॉट किया है, यानी कि जो गमले में थे वो गमले में से फ्रेंड्स मैंने शिफ्ट करके उनको मैंने ये ग्रो बैग दे दिया। मैंने प्लांट के ऊपर से प्रूनिंग कर ली, प्रूनिंग करने के बाद प्लांट के ऊपर से बहुत सारी न्यू शूट्स वगैरह डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी बहुत सारी न्यू शूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है, और ये प्लांट के ऊपर भी और यहाँ पे भी, जैसे कि देख रहे फ्रेंड्स यहाँ पे भी बहुत सारे न्यू चित्रक के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स जो मिर्ची के पौधे हैं वो भी अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे कि देख रहे फ्रेंड्स हमारे जो मिर्ची के पौधे हैं और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये भी हमारा मिर्ची का पौधा है फ्रेंड्स, पुराना वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया था, और ये प्लांट भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये फ्रेंड्स लास्ट ईयर मैंने सीड से ग्रो किया था और इसके ऊपर भी छोटे छोटे न्यू शूट्स अभी निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये प्लांट भी बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। ये भी मेरा पुराना वाला मिर्ची का प्लांट है फ्रेंड्स, उसके ऊपर भी जैसे कि देख रहे हैं मैंने इसके ऊपर भी प्रूनिंग की है। प्रूनिंग करने के बाद
ये सारे इसने नए ब्रांचेस वगैरह डेवलप करना स्टार्ट कर लिया है। तो अभी मिर्ची के प्लांट तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। साथ में फ्रेंड्स हमारे जो कॉक्सकॉम के प्लांट है, कॉक्सकॉम के प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स हमने प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग करने के बाद इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यू लीव्स अभी जनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे करके ये प्लांट भी हमारे बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग्स करना स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्रोटॉन्स है, क्रोटॉन्स तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ये सीड जनरेट हो रहे हैं। ये हमारे हर्शिंगर के सीड्स है फ्रेंड्स, ये सीड्स बहुत ही अच्छे जनरेट हो रहे हैं अभी, तो ये प्लांट अभी मुझे सीड्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। ये फ्रेंड्स हमारे ये जो फर्स्ट लाव का प्लांट है, अभी तक फ्रेंड्स मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है, कर लूँगा शायद ये वीक में, और इसके ऊपर फ्लावरिंग सारे कंप्लीट हो रहे हैं जैसे कि देख रहे हैं, और यहाँ पे न्यू लीव्स इसके जनरेट हो रहे हैं। तो ये प्लांट के लीव्स जब नए निकलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, रेड कलर के लीव्स इसके जनरेट होते हैं। और ये प्लांट भी मैं आपको बहुत ही जल्द अपडेट करूँगा कि किस हिसाब से हमें ये प्लांट को ग्रो करना है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स हमारे जो ये जो रात रानी के प्लांट है उसके ऊपर अभी फ्लावरिंग्स जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स जनरली ये जो रात रानी का प्लांट है, ये प्लांट गर्मियों की सीज़न का प्लांट है, लेकिन ये फ्लावरिंग्स आपको जनरली मॉनसून के सीज़न में बहुत ही अच्छी देगा। समझ लीजिए जैसे ही गर्मियाँ थोड़ी सी कम होती है, 35 के आसपास टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर के अंदर ह्यूमिडिटी अच्छी खासी डेवलप होती है, तब फ्रेंड्स हमारे ये जो प्लांट है, हमारे रात रानी के प्लांट है, ये बहुत ही अच्छी ब्लूम्स करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा मैंने चेंजेस कर लिया है, यानी कि यहाँ पे जितने भी हमारे कनेर के पौधे थे वो सारे कनेर के पौधे फ्रेंड्स मैंने हटा के यहाँ पे रख दिया है, और मैंने जो प्लूमेरिया थे वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, और प्लूमेरिया को फ्रेंड्स मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस बार। जैसे कि देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे एक पूरी डंडी ही आपको दिख रही है दोनों प्लूमेरिया की, और अभी फ्रेंड्स इसकी डोरमेंसी चल रही है, धीरे धीरे करके अबाउट एक महीने के अंदर फ्रेंड्स इसके ऊपर आपको न्यू शूट्स देखने को मिल जाएंगे। मैंने सारी इसकी कटिंग्स कर ली है जैसे कि अभी पहले मैंने आपको बताया था, तो अभी प्लूमेरिया की फ्रेंड्स मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अबाउट 15-20 दिन के अंदर ही फ्रेंड्स शायद इसके ऊपर न्यू शूट्स वगैरह डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरे प्लांट्स में फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं मेरे जो हाइबिस्कस है, हाइबिस्कस अभी बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। जैसे कि हमने ये प्लांट के ऊपर थोड़ी ब्रांच प्रूनिंग की थी, ब्रांच प्रूनिंग करने के बाद भी इसके लीव्स बहुत ही अच्छे ग्रीन निकल के आ रहे हैं, हेल्दी प्लांट है अभी। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे लीव्स, ग्रीन कलर के लीव्स इसके सारे बहुत ही अच्छे निकल के आ रहे हैं। ये प्लांट की भी कंडीशन अच्छी है। ये प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स मैंने अभी तक प्रूनिंग नहीं की है क्योंकि फ्रेंड्स ये प्लांट मुझे फ्लावरिंग बर्ड्स प्रोड्यूस करके दे रहा है, बहुत सारे फ्लावरिंग बर्ड्स ये प्रोड्यूस कर रहा है फ्रेंड्स। और अभी कल ही फ्रेंड्स इसने फ्लावर प्रोड्यूस किया था तो वो कंप्लीट हो चुका है, अभी दो फ्लावर्स और इसके ऊपर खिलेंगे। तो जो हाइबिस्कस है फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी ब्लूम्स अभी दे रहा है, तो हाइबिस्कस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा कॉस्मोस का प्लांट है फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही सुंदर अभी इसके ऊपर भी फ्लावरिंग्स निकल रहे हैं। जब इसके फ्लावर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब हमें इसको निकाल देना है क्योंकि ये एनर्जी सक करते रहते हैं। तो कॉस्मोस भी बहुत ही अच्छा चल रहा है फ्रेंड्स। और अभी फ्रेंड्स मैं आपको ये केज का थोड़ा अपडेट दे देता हूँ कि केज में हमने क्या क्या कैसे बनाया है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा मैंने एक केज बना दिया है हमारे रोजेज़ के लिए, और अबाउट नेक्स्ट संडे को फ्रेंड्स फ्लावर शो है, फ्लावर शो से फ्रेंड्स मैं कुछ नए रोजेस परचेस करने वाला हूँ। और आज जो मैंने रोजेस परचेस किए हैं उसका फ्लावर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और मैं आपको अभी अपडेट करता हूँ कि किस हिसाब से हमारे जो रोज़ है वो रोज़ बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारा नया रोज़ है जो मैं लाया हूँ नर्सरी से। एक्चुअली ये प्लांट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी नॉर्मल कंडीशन है, तो ये प्लांट की कंडीशन मैं धीरे धीरे करके सुधार दूंगा। लेकिन ये जो रोज़ है फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि ये जो कलर देख रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा डार्क मरून कलर है, यानी कि एक ब्लैक रोज़ टाइप का ये इफेक्ट देता है। और दूसरा प्लांट मैं ये भी लाया हूँ फ्रेंड्स, ये भी एक इंग्लिश रोज़ का प्लांट है, और इसके जो फ्लावर के कलर है अभी तो ये फ्लावर मुरझा रहा है, जब ये फ्लावर खिला हुआ था तो इसका कलर बहुत ही सुंदर लग रहा था, पर्पल कलर का फ्लावर था फ्रेंड्स ये। लेकिन ये प्लांट की भी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये प्लांट को भी मैं सही करूँगा। और जो प्लांट फ्रेंड्स बंदरों ने मेरे ख़राब किए थे वो प्लांट का भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारा बटन रोज़ का प्लांट है, अभी ये प्लांट ने बहुत सारी न्यू शूट्स डेवलप कर ली है और ये प्लांट भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये हमारा एक इंग्लिश रोज़ का प्लांट है फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यू लीव्स जनरेट हो चुके हैं। और ये जो वाइट देख रहे हैं फ्रेंड्स ये सारा फंगीसाइड पाउडर है जो मैंने स्प्रे किया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारा एक इंग्लिश रोज़ का प्लांट है, इसके ऊपर भी बहुत सारी न्यू शूट्स वगैरह डेवलप हो चुकी है। और ये भी हमारा एक इंग्लिश रोज़ का प्लांट है, इसके ऊपर भी लीव्स बहुत ही अच्छे डेवलप हो चुके हैं। ये भी हमारा इंग्लिश रोज़ का प्लांट है जो बंदरों ने ख़राब किया था, इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छे लीव्स की ग्रोथ हो रही है, प्लांट की कंडीशन अभी बहुत ही अच्छी है।
और ये जो प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वाला प्लांट फ्रेंड्स, मैं ऑलमोस्ट मैं समझ रहा था कि ये डाईबैक हो जाएगा, लेकिन ये प्लांट ने भी मुझे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके दी है। अब ये प्लांट के अंदर एक इश्यू मुझे दिख रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके जो लीव्स हैं, इसके लीव्स थोड़े से कर्ल हो रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर पेस्ट लगे हैं, या तो ट्राइप्स या तो स्पाइडर माइट्स, कोई भी पेस्ट इसके ऊपर लगा हुआ है, तो हमें इसके ऊपर रोगर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा, नहीं तो बाद में जितने भी नए लीव्स इसके निकलेंगे वो सारे इन्फेक्टेड निकलेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें ये प्लांट को रोगर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा। रोगर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो बाद में ये हमारे प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो रोज़ देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट संडे को मैं लाया था, और लास्ट संडे को लाके भी फ्रेंड्स अभी ये प्लांट ने फिर से अपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है, तो धीरे धीरे करके आपको नेक्स्ट संडे तक फ्रेंड्स इसके ऊपर कुछ नए लीव्स और देखने को मिल जाएंगे। और ये जो इन्फेक्टेड रोज़ है फ्रेंड्स, इसको भी मैं नए पॉट के अंदर ग्रो करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। अभी फ्रेंड्स मैं जनरली जितने भी प्लांट्स लाऊंगा वो सारे प्लांट्स मैं विंटर सीजन यानी कि नेक्स्ट विंटर सीजन के लिए रेडी करूंगा, जितने भी रोजेज मैं परचेज करूंगा। अभी फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर से ज़्यादा फ्लावर्स नहीं लूंगा, और जितने भी प्लांट्स मैं परचेज कर रहा हूं फ्रेंड्स, वो सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, सारे बेबी प्लांट्स हैं, तो अप टू नेक्स्ट विंटर्स तक फ्रेंड्स ये सारे प्लांट्स हमारे बहुत ही अच्छे चल जाएंगे। ये हमारे फ्रेंड्स कश्मीरी रोज़ का प्लांट है, और ये बहुत ही छोटा बेबी प्लांट है, जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही छोटा छोटा बेबी प्लांट है। तो सारे बेबी प्लांट्स ही मैं परचेज कर रहा हूँ, और ये सारे प्लांट्स को फ्रेंड्स मैं अपने तरीके से टोटली फर्टिलाइज करके मैं इनको ग्रो करूँगा, और मैं आपको रेगुलर इसका अपडेट भी देता रहूँगा कैसे क्या मैं कर रहा हूँ ये प्लांट के पीछे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये प्लांट को हमें कैसे ग्रो करना है और नेक्स्ट सीजन के लिए हमें कैसे रेडी करना है, उसके ऊपर सबसे पहली मेरी वीडियो आएगी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं कुछ और दूसरे नए रोजेस परचेस कर लूँगा, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा फ्लावर शो में से फ्रेंड्स मैं दूसरे रोजेस परचेस करने वाला हूँ, तो वो रोजेस भी आ जाएंगे, तो आपको मैं बता दूंगा कि किस हिसाब से मैं ये सारे रोजेस को ग्रो करने वाला हूँ। अब जैसे कि फ्रेंड्स ये जितने भी आप रोज़ देख रहे हैं ये सारे बेबी रोजेस है, और इनको फ्रेंड्स मैंने छोटे छोटे गमले दिए हैं, अभी मैंने इसको बड़ा गमला नहीं दिया है। तो बारिश है, जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद फ्रेंड्स ये प्लांट को भी मैं रिपोर्ट करूँगा, यानी कि विंटर स्टार्ट होने से पहले फ्रेंड्स ये प्लांट को मैं रिपोर्ट करूँगा। ये जितने भी प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट्स को मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ, यानी कि विंटर्स होने से पहले। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स हमें ये प्लांट को अच्छा ग्रो करना है, इसके ऊपर से मैक्सिमम लीव्स लेने हैं, जिसकी वजह से हमारे ये जो सारे प्लांट्स हैं वो अच्छी कंडीशन में रहेंगे। तो सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं आपके साथ अपडेट करूंगा, और यहाँ पे फ्रेंड्स स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत सारे रोजेस तो आ सकेंगे। साथ में फ्रेंड्स ये जो एरिया देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मैं फर्टिलाइज़र सारे हटा दूंगा, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि हाइबिस्कस के प्लांट थोड़े बहुत रख दूँ, जिसकी वजह से हाइबिस्कस मेरे चिड़ियों की वजह से जो ख़राब हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स एट प्रेजेंट में ये सारे मेरा प्लानिंग्स चल रहा है। तो नेक्स्ट संडे की वीडियो में फ्रेंड्स आपको फिर से कुछ नई चीज़ें मेरे गार्डन में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टोटली सारे प्लांट्स निकाल दिए हैं, और नेक्स्ट संडे को फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ग्रीन नेट भी लगाने वाला हूँ, यानी कि ये टोटल एरिया फ्रेंड्स मैं बंदरों के लिए टोटली क्लोज कर लूँगा। यानी कि यहाँ से जो सामने की दीवार से कूद के यहाँ पे आते हैं बंदर, तो मैं यहाँ पे ही टोटली बंद कर दूँगा, नेट लगा दूँगा, तो यहाँ पे मेरे जो ये मैंने केज बनाया है तो उसके ऊपर भी नहीं आएंगे, तो टोटली ये एरिया कवर हो जाएगा। और हमारा जो मोगरा का प्लांट है उसके ऊपर भी फ्रेंड्स ये वीक में ज़रूर वीडियो आएगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स की ये कमेंट आती है कि मोगरा के प्लांट के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, किस हिसाब से हमें इसको तैयार करना है गर्मियों की सीज़न के लिए, तो उसके ऊपर भी मेरी वीडियो आ जाएगी। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारे एडेनियम्स है, वो भी बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स मैंने आज मेरे गार्डन में कुछ चेंजेस किए हैं, और मैंने आपके साथ अपडेट भी किया है। और ये जो केज है फ्रेंड्स, केज के रिलेटेड भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि किस हिसाब से हमने ये केज बनाया है, कौन सा मटेरियल मैंने यूज़ किया है। वैसे फ्रेंड्स मुझे ये गेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने टेम्पररी जुगाड़ करके फ्रेंड्स जो भी मेरे पास ये स्टिक्स पड़ी हुई थी वो स्टिक्स मैंने लगाई है। वैसे मैं एक अच्छा सुंदर लुक ये गेट को देना चाहता हूँ, तो अभी एट प्रेजेंट तो मैंने कुछ ये हिसाब से ये गेट को बनाया है, तो ये गेट में भी थोड़ा बहुत चेंजेस मैं करूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल फ्रेंड्स बंदरों से तो आराम से मेरे रोजेस बच जाएंगे, क्योंकि ये केज मैंने बना लिया है। नेक्स्ट संडे अपडेट की वीडियो में आपको कुछ नए रोजेस भी देखने को मिल जाएंगे, साथ में आपको फ्रेंड्स फ्लावर शो में से मैं कौन से प्लांट परचेस करता हूँ, कौन से रोजेज़ परचेस करता हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो ये है फ्रेंड्स हमारी संडे अपडेट की वीडियो, थोड़े बहुत चेंजेस मैंने किए हैं, फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ प्लांट से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।